हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल वन टू साइड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सभी यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। यूट्यूब ने 13 जून 2023 से मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब क्रिएटर्स जल्दी से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर क्या क्राइटेरिया है इस पॉलिसी में, चलिए जानते हैं। और क्या फर्क है पुरानी और नई पॉलिसी में। इस न्यू पॉलिसी के हिसाब से अब मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। लास्ट 90 डेज में 3 या उससे ज्यादा पब्लिक अपलोड होने चाहिए। इसी के साथ 20 साल में 3000 वॉच आवर्स या 90 डेज में पिछले शॉर्ट्स पर 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए। जबकि अगर हम पुरानी पॉलिसी की बात करें तो पहले मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरत थी 1000 सब्सक्राइबर की, और बीते साल में 4000 वॉच आवर्स या 90 डेज में पिछले शॉर्ट्स पर चाहिए थे कम से कम 10 मिलियन व्यूज। अब हम आपको बताते हैं कि क्रिएटर्स को इस न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी से आखिर कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। इस पॉलिसी का फायदा सबसे ज्यादा छोटे क्रिएटर्स को होने वाला है। इससे मिलेगा यूट्यूब शॉपिंग के जरिए प्रोडक्ट प्रमोशन का मौका, सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप के जरिए फैन फंडिंग। इसी के साथ क्रिएटर सपोर्ट का एक्सेस। आखिर क्या जरूरत थी यूट्यूब को अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए ये चेंजेस किए गए हैं। छोटी क्रिएटर्स अब जल्दी से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके मोनेटाइजेशन का फायदा उठा सकती हैं। इसी के साथ अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यूट्यूब अब एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप भी इसका फायदा उठाएं और अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।